अस्सलाम-ओ-अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर बहार 2019 के इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कब तक आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। तो कोशिश मेरी यही है कि इस वीडियो के ज़रिए तमाम तर उन स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया जाए जो इस हवाले से पूछ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहार 2019 के असाइनमेंट मार्क्स रिज़ल्ट इंटरमीडिएट क्लास के आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं, चेक करें और देखें कि आपके कितने नंबर आए हैं असाइनमेंट में। अगर उसमें कोई मिस्टेक है, कोई नंबर नहीं लगे, तो उसको आप फाइनल रिज़ल्ट के बाद करेक्ट करवा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट में कितने नंबर हैं। इसके अलावा, जैसा कि हम जानते हैं कि असाइनमेंट मार्क्स जब यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देती है तो उसके तकरीबन 10, 15, 20 दिन बाद फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। तो उम्मीद कीजिएगा कि इसी मंथ के एंड तक फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर पहले आ जाता है तो मैं आपको वीडियो बना के गाइड कर दूंगा। इसके अलावा सम टाइम लेट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हमेशा जो रिज़ल्ट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कोई भी अगर रीज़न हो जाए तो रिज़ल्ट को लेट किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो आपने कम से कम वेट करना है दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्ट तक, तब तक इंशाल्लाह आ जाएगा। आपके एडमिशन से पहले इंशाल्लाह आ जाएगा। जो आपके नेक्स्ट एडमिशन है वो 15 जनवरी को स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपकी जो कन्फ्यूजन है, आपका जो सवाल है, वो इस वीडियो से क्लियर हो जाए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।